बड़ी खबर जहां हेमंत सोरेन द्वारा दाखिल याचिका को पीएमएलए की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। ईडी रिमांड के दौरान हेमंत सोरेन को रात में जेल में रखने का आग्रह किया था, मुलाकात की इजाजत मिली है। 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के दौरान मीडिया से बातचीत करने पर भी रोक लग गई है। बड़ी अपडेट जहां पति संबंधित परिवार और वकील से सिर्फ आधे घंटे की मुलाकात की इजाजत मिली है। वही आपको बता दें 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के दौरान मीडिया से बातचीत करने पर भी रोक लगा दी गई है। पीएमएलए की विशेष अदालत के द्वारा हेमंत सोरेन द्वारा याचिका दाखिल की गई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें ईडी रिमांड के दौरान हेमंत सोरेन को रात में जेल में रखने का आग्रह किया गया था, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब उन्हें ईडी दफ्तर में ही रखा जा सकता है। अगले 5 दिनों तक उनसे पूछताछ चलेगी। 5 दिनों के रिमांड पर हेमंत सोरेन पत्नी, संबंधित परिवार और वकील किसी से भी मिलने के लिए आधे घंटे का सिर्फ मुलाकात की इजाजत मिली है। 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में उन्हें शामिल होने का अदालत ने याचिका मंजूर कर दिया, लेकिन उस समय भी वो मीडिया से बातचीत नहीं कर सकते हैं। और दीपक हमारे सहयोगी फोन लाइन पे हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए पीएमएलए की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की गई थी कि उन्हें ईडी रिमांड के दौरान जेल में रखा जाए रात में, लेकिन ये याचिका खारिज कर दिया गया है। दीपक जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जमीन घोटाला मामले में 21 जनवरी को हुई थी और उसके ठीक दूसरे दिन यानी कि 1 फरवरी को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था और पेशी के दरमियान ईडी के तरफ से पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी, जिस पर कल बीते 2 फरवरी को जो है आदेश अदालत के द्वारा दिया गया। 10 दिनों की डिमांड थी जिसमें 5 दिनों की जो है वो ईडी को पूछताछ के लिए स्वीकृति दी है। तो 5 दिनों तक आज से जो है रिमांड की अवधि शुरू हुई है और आज से अगले 5 दिनों तक ईडी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी और पूछताछ के दौरान जो है वो जो रात के वक्त जो है वो जेल में रखने की जो आग्रह है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अदालत से किया गया था, क्योंकि वो खुद को सुरक्षित जेल में ही महसूस कर रहे हैं, तो इस वजह से पिटीशन दिया गया था। उस पिटीशन पे सुनवाई हुई और आज पीएमएलए की विशेष अदालत ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया, यानी कि आज से लेकर के 5 दिनों तक जो ईडी पूछताछ करेगी तो ईडी अपने साथ वो किसी सुरक्षित स्थान पर ही रखेगी और उन्हें जो हटवार जेल है वहां नहीं रखा जाएगा जब तक ईडी की रिमांड रहेगी। साथ ही साथ जो 5 फरवरी को जो विशेष सत्र आहूत किया गया है और फ्लोर टेस्ट वहां पे किया जाना है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चूंकि बरहेट से भी विधायक है तो वो भी फ्लोर टेस्ट में वो शामिल होंगे, लेकिन उस दरमियान जब वो शामिल होंगे तो वो मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे और ईडी रिमांड के दरमियान जो है परिवार से उनकी पत्नी या परिवार के कोई संबंधित या फिर वकील ये लोग जो है आधा घंटा मुलाकात कर सकते हैं, इसकी इजाजत अदालत ने दी है। जी जी बिल्कुल, दीपक अदालत काफी सख्त नजर आ रही है। 5 दिनों तक ईडी रिमांड पर उन्हें जेल में रहने की अनुमति खारिज कर दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अपडेट आपको बता दें जहां अदालत की तरफ से खारिज कर दिया गया है याचिका को, जिसमें हेमंत सोरेन ने ईडी के रिमांड के दौरान रात में जेल में रहने की आग्रह किया था। वहीं एक और याचिका में जहां उन्हें फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की का आग्रह किया था, उसमें भी उन्हें मीडिया से बात ना करने के लिए कहा गया है। पत्नी, संबंधित परिवार और वकील से भी सिर्फ आधे घंटे की मुलाकात की इजाजत मिली है उन्हें। आपको बता दें कि 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है जिसमें शामिल होने की अनुमति तो उन्हें मिल गई है, लेकिन उस दौरान वो मीडिया कर्मियों से बात नहीं कर सकते, मीडिया को संबोधित नहीं कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।